बीजेपी के कद्दावर नेता हैं मुख्तार अब्बास नकवी साहब, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। उन्हीं के साथ इस वक्त मेरे सहयोगी प्रशांत मौजूद हैं। सीधे जरा प्रशांत के पास आपको लेकर चलते हैं और उनसे जानते हैं कि मुख्तार अब्बास नकवी साहब की क्या प्रतिक्रिया आ रही है, क्या कहेंगे वो राहुल गांधी जिस तरीके की बातें कहकर आए विदेशी जमीन पर। जरा बात कीजिए प्रशांत जी। जी रोमाना, देखिए जब भी राहुल गांधी विदेश जाते हैं वहां कुछ बयान देते हैं, जाहिर तौर पर आपने पिछले दिनों भी देखा जब वो बयान देते हैं देश में एक सियासी बवाल जरूर मचता है। हमारे साथ हैं मुख्तार अब्बास नकवी। नकवी साहब, सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही कि एक मुस्लिम के ही सवाल में उन्होंने कहा कि बीजेपी ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया है और 80 के दशक में जो हालत दलितों की थी वो आज मुसलमानों की। देखिए एक चीज आपने देखा होगा, जब जब पूरी दुनिया में भारत की धाक और मोदी जी की धमक बढ़ती है तो इस घमंडी घराने के घोंचू घरौंदे की जो है वो घबराहट साफ साफ दिखाई पड़ती है। अब एक तरफ जो है वो भारत की धाग और मोदी जी की धमक और दूसरी तरफ इस घमंडी घराने के घरौंदे की जो है वो सनक, ये साफ तरीके से आप दिखाई पड़ती है। और एक चीज़ महत्वपूर्ण है कि भारत की धाग, मोदी जी की धमक को धूल धूसरित करने की जो धूर्तापूर्ण धुन है वो इनको खुद धूल धूसरित कर रही है। जहाँ तक देश में के असल में इनको दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि जो इनकी सामंती जागीरदारी थी उसको मोदी जी ने समावेशी विकास की हिस्सेदारी से कैसे ध्वस्त कर दिया है। तब इनको लगता था कि हमारी सामंती जागीरदारी जो है वो तो उसका तो हमें जन्म सिद्ध अधिकार। लेकिन वो समावेशी विकास की ही बात में कह रहे हैं कि आज दलितों जैसी स्थिति हो गई है मुसलमानों के लिए। ये तो इन्होंने एक सच्चर कमेटी बनाई थी उसका भी पच्चर कर दिया। सच्चर कमेटी जो बनाई थी उसमें भी यही कहा गया था, उसके बाद तो इनकी बहुत लंबी सरकार चली थी। आज जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने ये तमाम जो है वो सांप्रदायिक वोटों के ठेकेदारों को परास्त भी किया है और ठेकेदारों के जो ठौर ठिकाने थे उस पर जो है उसकी तालाबंदी भी की है, वो भी एक उनकी प्रॉब्लम खड़ी हुई है। लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि नरेंद्र मोदी जी ने 9 सालों में देश को दंगों से बचाया, दबंगों से बचाया, आतंकवादियों से बचाया, अलगाववादियों से बचाया। आज जो है वो कहीं पर भागलपुर नहीं हो रहा है, मलियाना नहीं हो रहा है, मेरठ नहीं हो रहा है, मालेगांव नहीं हो रहा है, मुंबई नहीं हो रहा है या देश के अन्य हिस्सों पे जो हर 2 महीने में हर एक महीने में जो है तो वो देश के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को आप सुन रहे थे जिनकी तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि पिछले 9 साल में मोदी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनकी कोई काट तो विपक्ष ढूंढ नहीं पा रहा है और कहीं ना कहीं ये उसी के रूप में खिसियाहट ज्यादा नजर आ रही है राहुल गांधी के इन बयानों में बीजेपी को। इस सब के बीच अमेरिका दौरे पर गए कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी और उन्होंने जो बयान दिया है मुझे लगता है आपको एक बार फिर से सुनना चाहिए। वो जो सीधा अटैक राहुल गांधी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किया गया और बाकायदा कटाक्ष राहुल गांधी ने किया, जरा सुनिए। वी हैव अ ग्रुप ऑफ पीपल इन इंडिया, दे थिंक मे बी दे नो इवन मोर देन गॉड, दे कुड सिट डाउन विद गॉड एंड हैव अ कन्वर्सेशन एंड एक्सप्लेन टू हिम you know about what is going on, and of course our prime minister is one such specimen. I think if you sat Modi ji down next to God, Modi ji would start explaining to God how the universe works, right? Yes, and God would get confused that what have I created. So these are funny things, but really this is what is going on. We have a group of people, you know, who understand everything. They can speak to scientists and explain science to them. They can, you know, speak to historians and explain history to them. They can explain, you know, warfare to the army, flying to the air force, whatever they want they can, you know. And at the heart of it is mediocrity, that they actually don't understand anything. तो ये सुना आपने, सच स्पेसिमेन जैसे शब्दों का राहुल गांधी के इस बयान में इस्तेमाल किया गया है। वशिष्ठ साहब, मेरे ख्याल से कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही है, सुन लिया होगा आपने। दे इवन नो मोर देन गॉड, भगवान से ज्यादा सर कौन जानता है, सर कौन ये कह सकता है कि वो भगवान से ज्यादा जानता है। इस तरीके के हमले और इस तरीके के कटाक्ष राहुल गांधी विदेशी जमीन पर कर आए ना सर, तो आप तैयार रहिए। अब आप इस तरीके की बातों से ढाल बनाकर बच नहीं सकते हैं जो आपको झेलनी पड़ेंगी राहुल गांधी के बयानों पर सर। अब मीडिया के कंधे को मत तलाशिए सर बचने के लिए, अब तैयारी कर लीजिए क्योंकि अब जवाब आपको देने पड़ेंगे।
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।